थपकी थपकी प्यार की। जल्दी से ना नीली वाली चप्पल ढूंढना। हाँ चलो चलो जल्दी। अरे छुट्टी छुट्टी जल्दी साइकिल में आएगी, चल जल्दी चलते। अरे बुढ़वा कहाँ, रुको एक नंबर की बुढ़वा को। अगर ये चप्पल लेके हम चले जाएंगे तो तब की अभियान देवर जी को शक नहीं हो जाएगा का? तो ये सैंडल हमें ढूंढवाई क्यों? हाँ मेरे हेड पे पाने के लिए नहीं, ईमान डालने के लिए, समझी? ये देखो निकालो निकालो, इस थैली से बाहर निकालो निकालो ना जल्दी। ये देखो। अरे वाह चुटकी, मानना पड़ेगा मेरे साथ रहके तुम्हारा भी माइंड एकदम ऑसम हो गया है। अच्छा वैसे घूरना बंद करो, चलो जल्दी यहाँ से चलते, ये तो कोई आ जाएगा। हाँ हाँ चलो बाकी अब मौका मिलते ही ना ऐसी की ऐसी चप्पल हम श्रद्धा के लिए लेके आएंगे और उसके पैरों में पहना देंगे और फिर चप्पल उसके पैरों में और मुझे हमारे हाथों में। हाँ, सर आप ही मेडिसिन ले आइए। ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं ये दवाइयां लेकर आता हूँ, तुम थोड़ा अलर्ट रहना, ठीक है? जी। ये क्या हो रहा है सब? ये आवाज कहां से आ रही है? इधर से। दादी माँ, हम आपकी कुछ मदद करेगा
नहीं बेटा, ये हो गया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बल्लू का जन्मदिन है, अब वो घर पर नहीं है। अच्छा सुनो, जब हम बल्लू से मिलने हॉस्पिटल जाए ना, तो ये साथ में ले जाना, भूलना मत। डोंट वरी दादी माँ, मैं हूँ ना, मैं लेके जाऊंगी। ये ध्रुव के भाजी का नया कुर्ता। हर साल बस एक यही तो तोहफा मांगते थे मुझसे। सोचा था इस साल ना उनके मांगने के पहले आके रख दूंगी, और जब सोके उठेंगे ना तो सिराने पाएंगे इसे। आवाजें लग चुकी होती वसुंधरा जी, हमारा कुर्ता, आपका लाया कुर्ता जब तक नहीं पहनूंगा ना, तब तक ठीक नहीं करवा। ठीक होके क्यों नहीं आ जाते जल्दी से? चुप हो जा मेरे बच्चे, आएगा ना, और आने के बाद तुझसे टीका भी करवाएगा और कुर्ता भी पहनेगा। चुप हो जा। माँ, दादी माँ। क्या बात है? माँ, हॉस्पिटल से फोन आया था। माँ, माँ बाऊजी। हाँ बाऊजी, क्या? माँ बाऊजी को दौरा पड़ रहा है और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। तुम अस्पताल में थी? बिहान की मदद लाके तुम खुद एक अपराधी बन गई हो। उस हिसाब से जिस तरह बिहान उनसे नहीं मिल सकता, तुम भी नहीं मिल सकते। मैं फौरन जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मैं गाड़ी निकालता हूँ। आप लोग आइए। भाभी, मां को लेके आइए। तबकी बाबूजी, बाबूजी को कुछ नहीं चाहिए। तबकी तबकी तुम्हारी बात मानते नहीं, तो बोलो ना इनसे, बोलो ना इनसे कि हमारे बाबूजी को ठीक कर दे प्लीज। तबकी इनसे कहो ना कि हमारे बाबूजी को ठीक करके वापस भेज दे, बोलो ना। बिहान, कल रात तुमने मुझे क्या बोला था कि बाबूजी तुम्हें क्या बोलते हैं? किस बारे में? केक के बारे में। साल में एक ही दिन तो हम केक बेधड़क खाते हैं। जान बस्ती हमारी इसमें, मुंह में लगा दो ना कोई केक तो हम यमराज के मुंह से भी वापस आ जाएं। बाबूजी हमसे कहते थे कि जान बस्ती हमारी केक, अगर केक मुंह से लगाए तो यमराज के मुंह से भी बाहर निकल आएंगे।
इनकी पल्स रेट तो कम होती जा रही है। दूसरा इंजेक्शन लगाओ बॉटल में जल्दी। जो क्या हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। नजीम का ध्यान रखो, मैं दूसरा इंजेक्शन लेके आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, समझ नहीं आ रहा, या तो कोई मेडिसिन ज्यादा ही चली गई उनकी बॉडी में, या फिर किसी मेडिसिन ने रिएक्ट कर दिया है। मैंने मेडिसिन चेंज कर दिया है, लेट्स सी, शायद कोई फर्क पड़ जाए। शायद 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 मतलब कि इस समय मैं और कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा बाबूजी को, आप बस विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा हमारे बाबूजी को। सारी तैयारी तो हो गई है, जल्द से जल्द ये केक बनाकर बाबूजी तक पहुंचा देते हैं। बाबूजी हमसे कहते थे कि जान बचती हमारी केक की, अगर केक मुंह से लगाए तो यमराज के मुंह से भी बाहर निकल आएंगे। बाबूजी हमसे कहते थे कि जान बचती हमारी केक की। हॉस्पिटल से फोन आया था, मां बाबूजी को दौरा पड़ रहा है और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। तब की तुम क्यों घबरा रही? तुमने आज तक जो कुछ भी किया वो भी कभी नहीं बिगड़ा, तो बाबूजी के लिए जो केक बना रही है वो कैसे बिगड़ेगा? धपकी, तुम्हारे विश्वास पे तो हमारी हिम्मत टिकी, अगर तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा तो बाबूजी को कुछ नहीं होने थे। इस केक में हमारा विश्वास और हमारी दुआएं हैं। अब इसे जल्द से जल्द हमें बाबूजी तक पहुंचाना होगा।
उसको कुछ नहीं होगा। तुम डॉक्टर को उसे माता रानी का टीका लगाओ, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सुमन माँ, पूजा की थाली दे बेटा। दादा दादी माँ, हम तो जल्दी जल्दी में लाना ही भूल गए। तुम बोली थी ना लेके आएंगी। दादी माँ, दादी भूल गए। हे भगवान, क्या कर दिया तुम दोनों। है तुम्हें कहा था ना याद से उसे लेकर आना। जल्दी से चलो बाबूजी के पास हॉस्पिटल। बिहान चलो जल्दी आओ चलो। नहीं देव, हम नहीं जाएंगे। तुम जाओ, हम जाएंगे तो बाजू में केक नहीं खिलाया जाएगा। तुम जाओ, जल्दी जाओ और उन्हें खिला दो जल्द से। और सुनो, कैसे भी करके केक बाजू में जरूर खिला दे। चाहिए तो हमारी जान ले लो, फिर हमारे बाबूजी को खुश नहीं होना चाहिए। पहली बार आपसे कुछ मांगा है हमने, बस ये बात मान लो हमारे, उसके बाद कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगी। बस हमारे बाबूजी को ठीक कर दो। क्या ये अब बाबूजी के लिए केक बनाया है? यहाँ उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है देखो, और इन्हें केक बनाने की सोच रही है। Are you mad थपकी? डॉक्टर बाबूजी को दवाइयां दे रहे हैं, उनकी हालत स्टेबल नहीं हो रही और तुम केक लेकर आ गई हो। केक खाने से उनकी हालत और खराब हो जाएगी। जाओ यहाँ से तुम।